हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, आगे से कंटिन्यू है। यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 1-2 हमने किया है, आज 3 से करेंगे। तो हुज हेल्प डिड गोल्डन लॉक्स ट्राई टू सीक, व्हाट डिड ही आस्क हिम टू डू। गोल्डन लॉक्स ट्राई टू सीक द हेल्प ऑफ द जायंट। जो गोल्डन लॉक्स था उसने जायंट को क्या बोला? तो उसने जायंट को बोला कि उसके उसे प्लीज़ वो मदद करें जिसके लिए इसके फादर सीखे। तो इसके लिए उसको 2 ड्रॉप वेनम चाहिए। वेनम मीन्स पॉइजन। व्हाई वाज द जायंट रेडी टू कैरी आउट द विश ऑफ द गोल्डन लॉक्स। जायंट था वो क्यों तैयार हो गया उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। सिंस द जायंट हैड द ऑब्लिगेशन दैट गोल्डन लॉक्स हैड फ्रीड हिम व्हेन द किंग हैड कैप्चर्ड हिम एंड पुट हिम इनटू द केज। तो क्योंकि वो गोल्डन लॉक्स था, उसने उसे जो किंग ने उसे पिंजरे में कैद कर दिया था, तो उसको फ्री करने में मदद की थी, इसीलिए वो तैयार हो गया। व्हाट डिड गोल्डन लॉक्स टू डू अप्रोच द ईल किंग अनआइडेंटिफाइड। गोल्डन लॉक्स डिस्कस हिमसेल्फ एज द बेस्ट एज ही कुड इन द ओल्ड केज एंड रेक्स एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन द प्लेन वाइट क्लॉथ टू अप्रोच। उसने क्या किया कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए गोल्डन लॉक्स ने क्या किया, तो उसने अपने जो गोल्डन हेयर थे वो वाइट कपड़े से कवर कर लिए और वो वहाँ पे गया। गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अनशेड इन। द फ्रेज ऑफ द अनशेड मीन्स हरीडली टेकन अलाउड इन।